तरतीब कर देती है। दुआ मुसलमान में अकीदा तौहीद पुख्ता करती है, और दुआ उस दौलत का नाम है जो सिर्फ मोमिन के पास है, काफिर के पास नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, काफिर के पास ये हथियार नहीं है। मोमिन जब अपने मालिक के हुजूर दुआ मांगता है ना, दुनिया में आप किसी से ज़्यादा मांगे तो वो नाराज़ हो जाता है, वो कहता है भाई तूने तो काम बना लिया है, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, रोज़ रोज़ तुझे कौन दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने रब से ज़्यादा मांगता है रब उससे ज़्यादा राज़ी होता है, ज़्यादा राज़ी होता है। अब दुआ मखसूस औकात नहीं दुआ के, फरमाया इजादान, जब भी दुआ मांगोगे तुम्हारा रब तुम्हारी दुआ को, जब भी दुआ, तो दुआ करते रहना चाहिए, हर वक्त दुआ में बंदा शामिल रहे, अल्लाह के जिक्र में शामिल। ये जो कुरान मजीद ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अपने रब का जिक्र कसरत से करो, वसब्बिहू बुकरतन व असीला, और सुबह शाम उसी की पाकी बयान करो। तो इससे मुराद ये नहीं है कि तस्बीह लेके सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो और काम कोई ना करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि रोटी शुरू करो तो अल्लाह के नाम से, इख्तिताम करो तो अल्लाह के नाम, सो जाओ तो रब का नाम लेके, सवेरे उठो तो अल्लाह का नाम लेके। जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाल्लाह कहो, जब कोई मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, तो सारा दिन अल्लाह का जिक्र जारी रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को एक दूसरे से मिलने का तरीका बताया, तो मुसीबत आए तो क्या कहना है, सिर्फ फौतगी पे नहीं कहना, इसकी वजाहत कर दो, कोई भी अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी कोई मुसीबत आए, अल्लाह के बंदे कहते हैं हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमने लौट जाना। तो मेरे अजीज़, हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहेगा, हर वक्त ज़ुबान पे रब करीम का। देखे ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें मुलाकात का तरीका बताया, एक सहाबी आए तो उन्होंने आके कहा अस्सलामु अलैकुम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला ने इसे 10 नेकियाँ अता फरमाई हैं। दूसरे आए तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो महबूब फरमाने लगे, इमाम बहकी ने इसको लिखा है, महबूब फरमाने लगे रब करीम ने इसे 20 नेकियाँ अता फरमाई। एक और आए, अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, महबूब फरमाने लगे अल्लाह ने इसे 30 नेकियाँ अता फरमाई। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, सादा तर्जमा यह है कि तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, व रहमतुल्लाह व बरकात, तुम पर अल्लाह की रहमत भी हो और उसकी बरकतें भी। वो क्या कहता है, वो कहता है वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलामती हो, व रहमतुल्लाह व बरकात, अल्लाह की रहमत हो और उसकी। ये जो मसनून दुआएं हैं ना, जो हुजूर ने हमें दुआएं सिखाई हर मौके, इनका कमाल देखिए। अब एक मुसलमान ने आते कहा अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब क्या है, तुम पर, अब वो झगड़ा करेगा उससे, उसे मारेगा, उसका माल छीनेगा, उसने तो आते ही कहा तुम पर सलामती हो। तो जो सलामती की दुआ देने वाले हैं वो जेब थोड़ी काटेंगे, वो गबन थोड़ी करेंगे, डाका थोड़ा डालेंगे। इस्लाम ने लफज ही वो सिखाया है कि फरमाया जब तुमने मिलना है तो तुमने दुआएं करनी है एक दूसरे के लिए। अब हमारे यहाँ नए नए लफज आ गए, टेलीफोन उठाया तो कहा हेलो, इसका क्या तर्जुमा है, कौन है, इसका क्या तर्जुमा है, जी जनाब, इसका क्या मतलब। हमने देखा बड़े बड़े समझदार लोग अस्सलामु अलैकुम की बजाय कहते हैं क्या हाल है, भाई क्या अजीब बात है, भाई क्या हाल है का क्या मतलब हुआ, वो बाद में करने की बात है। और कुछ थोड़ा सा जो अदीब हैं, जो बेचारे हरूफ के पेचोताब में रहते हैं, वो कहते हैं अदाब अर्ज है, वो क्या होता है जी। इस्लाम ने दुआ सिखाई है अस्सलामु अलैकुम, ये कितनी खूबसूरत दुआ है। जब आप घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने दुआ दी अस्सलामु अलैकुम, ये दुआ दी आप। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में गुर्बत रहती है, क्या करूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी घर जाया करना, घर वालों से सलाम लिया कर, घर वालों से क्या कहा कर, अस्सलामु अलैकुम, जब भी घर जाए। यानी घर आया, अब घर वालों ने बताया कि माचिस की डिबिया तो ले आओ,
अब ये दुकान कोने पे थी घर वाले पे, वहां से माचिस की डिबिया लेके वापस गया तो कहने लगा अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो बताना, याद ही नहीं रहा, चीनी भी खत्म हो गई है। तो ये फिर गया चीनी लेने, लौट के आया तो क्या कहा, जब अल्लाह चाहता है तू कहे, जब अल्लाह के रसूल चाहते हैं तू कहे। इसका तर्जमा यह है कि तू कह, तू सलाम ले, अल्लाह रसूल चाह रहे हैं कि तू सलाम ले ताकि तेरे घर में सलामतियां डाल दी जाएं। तो फरमाया सलाम लेनी है तूने, और साथ तूने इस तरह करना है कि तीन दफा सूरत इखलास को पढ़ना है। इमाम कुर्तुबी ने इसको लिखा है। उसने कहा हुजूर गुर्बत बड़ी है, गुर्बत बड़ी है तो वजीफा बताएं। फरमाया जब भी घर जाओ सलाम लो और तीन दफा सूरत इखलास पढ़ो। वो सहाबी कहते मैं पक्का हो गया। अब वो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस आए तो सहाबाई किराम अली मुरिदवान फरमाते हमारी ख्वाहिश थी कि ये कुछ बयान करे, अब बताए जो वजीफा लेके गया था उसका रिजल्ट क्या निकला। कहते उसने बड़ी हैरत अंगेज बात की, हैरत अंगेज अजीब अंदाज में। कुछ लोगों का दिल होता है ना कि मुझे मिले मेरे पड़ोसी को ना मिले, और कुछ का दिल होता है यार मुझे भी मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पड़ोसी को मिला है। तो सहाबी जब हाजिर हुए तो सहाबा कहते हैं हमें तजस्सुस था कि ये कुछ बताएं। तो हुजूर ने फरमाया क्या हाल है तेरा। कहा या रसूलल्लाह कमाल ही हो गई है हुजूर, मैं जब भी घर जाता हूँ सलाम लेता हूँ और तीन दफा सूरत इखलास पढ़ता हूँ, मैं तो अमीर हो ही गया हूँ, मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। कितना प्यारा है ये जुमला, कितना हुसन है, इतना अच्छा लफ्ज किसी और के पास है ही नहीं जो अल्फाज हमें हमारे रसूल ने अता फरमाया। इसको अपनाइए, इसको अपनाइए। ये अलग बात है कि लोग मतलब के लिए सलूट कर लेते हैं बड़ा सारा, लेकिन मतलब के लिए नहीं। जिसको जाने उससे भी सलाम लें, जिस मुसलमान को नहीं जानते उससे भी। तो नबी पाक ने हमें मसनून दुआएं सिखाई। रात को जब सोने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई। हुजूर ने फरमाया जब सोने लगो तो मुस्लिम शरीफ में फरमाया तुमने ये दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा बिइस्मी का अमूतु व अहया। तुमने कहना ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता हूँ और तेरे नाम पर जीता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि ये जो नींद है ना ये मौत की छोटी बहन है, ये मौत का एक हिस्सा है। जिस तरह इंसान सो जाए तो कोई खबर नहीं होती क्या हो रहा है, बिल्कुल वो उठा है तो उसने कहा ओहो ये क्या हुआ, सो जाता है ना आदमी उसे खबर नहीं होती, ओहो मैंने तो 11 बजे उठना था ये तो 3 बज गए। अब उसे खबर न रही, सोते हुए लोग चोरी कर लेते हैं, बल्कि इस तरह भी होता है कि आदमी ने गखड़ उतरना था, वो पिंडी से आ रहा था लेकिन वो सोया हुआ था, आंख तब खुली जब कामों की आ गया था, अब उसका इस पर जोर। तो फरमाया क्या पता अब तो खुल गई कामों की, जाके लाहौर जाके किसी जगह पहुंच के, तो ये भी मुमकिन है कि खुले ही ना, नींद ही मौत का सबब बन जाए। तो तू कह के सो कि या अल्लाह तेरे नाम पे सो रहा हूं। अल्लाह किस नाम पे सो रहा हूं यार, अगर हम इन दुआओं का हुस्न समझे, मत अल्लाहुम्मा बिइस्मी का अमूत वाहिया, या अल्लाह मैं तेरे नाम पे सोता हूं और तेरे नाम पर उठता हूं, गोया कह रहा या अल्लाह मेरी नींद भी तेरे फजल से ही है, और अगर आंख खुल जाए तो वो भी तेरे फजल से ही है। कितना आला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अंदाज सिखाया। और फिर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया जब उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। फरमाया जब तुम सो के उठो तो फिर कहो ऐ अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तमाम तारीफें जिसने हमें मौत के बाद हयात दी, मौत के बाद। फरमाया अहयाना बादमा अमातना, हमें मरने के बाद गोया अल्लाह का शुक्र अदा करके आंख खुल गई। देखिए किस तरह इस्लाम मुसलमान को अल्लाह के साथ जोड़ता है। फरमाया शुक्र कर आंख खुल गई, कह या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद हमें दोबारा हयात अता फरमाई, ये शुक्र अदा करो। गोया तुम ये ना कहना कि मैं उठ गया हूं तो मेरा कमाल है, ये ना समझना मैं उठ गया हूं तो मैं बड़ा पाबंद हूं, जब मैं इरादा कर लूं कि मैंने 11 बजे उठना है तो फिर मैं उठ जाता हूं, ये ना कहना कि ये अलार्म बड़ा अच्छा है ये मुझे उठा लेता है। ज़हन के अंदर ख्याल कर कि नींद तो मौत की तरह थी, ये जो मैं उठ गया हूं तो अपने रब के फजल से उठा हूं, जो मैं उठ गया हूं जो अभी अभी उठे हैं वो तो बोल देना कम अज कम कि मैं अपने रब के फजल से उठ गया। तो दुआ सिखाई। फिर देखिए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम बैतुल खिला में जाते हो ना, वॉशरूम में जाते हो, तो गंदी चीजें होती हैं वहां, शैतान होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये गंदगी पे होते हैं। जब तुम वॉशरूम जाओ, बैतुल खला जाए, तब भी दुआ मांगो। क्या दुआ मांगो? वो दुआ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई और बुखारी में है, कहा पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। कहो ए अल्लाह, नापाक चीजों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या मादा हो, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। वॉशरूम के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं, जवान मेरी बात पर तवज्जो फरमाए, वहां बहुत सारी गंदी चीजें होती हैं। इंसान कई दफा वॉशरूम में जाता है, उसे वसवसे ज्यादा आते हैं। ये नोट करें मेरी बात को, असल में ना हम बात ढूंढ रहे हैं इलाज अपनी बीमारियों का, हालांकि इलाज तो सारा मदीने वाले रसूल के पास मौजूद है, महबूब के पास सारी दवाइयां हैं। तो नबी पाक अलैहि सलाम, देखे ना, इंसान वॉशरूम में जाता है, उसे वसवसे आते, बुरे ख्यालात आते, वो गुनाह की तरफ कई दफा मायल होता है, तो कहा तू दुआ पढ़ के जा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका, या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मिनल खुबूसी वल खबाइस, हर खबीस और बुरी चीज से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, वो नर हो या यार। कितना अजीम दीन है, कितना अजीम मेरे मुस्तफा करीम का वो वाला दीन है। असल में अल्लाह करे बीए पास बच्चे को बैतुल खला की दुआ भी याद हो जाए, ऐसे याद हो जाए, और इसके माँ बाप समझ लें कि जवान हो गया है, अब हो सकता है इसकी तरफ शैतान हमला ज्यादा करे, इसे खराब करने की कोशिश करे, तो लिहाजा इसे दुआ सिखाई जाए, ताकि इसको पहले से पता हो कि मैंने उस बेईमान से बचना किस तरह से। अब आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दुआ सिखाई मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, कौन सी दुआ? वॉशरूम से निकलने की। अल्लाहु अकबर, बड़ी जबरदस्त दुआ है, बड़ी जबरदस्त। आप यकीन करें इस एक एक दुआ पर एक एक पूरा बयान हो सकता है, एक एक। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई आलिम फाजल आदमी हूं, आप कहेंगे कि बता रहे हैं मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि इसके फवायद पर, समरात पर, जो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को देता है, इन दुआओं की जो फजीलत हदीसों में आई, और फिर जो इसके फवायद है, अगर उस पर बात करूं तो एक दुआ तकाजा करती है कि उस पर पूरा एक लेक्चर होना चाहिए। देखिए आप वॉशरूम से निकले, दुआ क्या है? दुआ के लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, एक हदीस में लफ्ज है गुफरानका, गुफरानका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। और जो मशहूर और मारूफ है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रवायत, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ाब आफानी, फरमाया ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, वॉशरूम से निकला है तो कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझसे अजियत दूर की, वह आफानी, और तूने मुझे आफियत अता कर दी, अजियत दूर कर दी और आफियत। बोलिए वॉशरूम से निकला है तो क्या कहता है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझसे अजियत दूर कर दी और मुझे आफियत। डॉक्टर हकीम होम्योपैथिक एक चीज पर मुत्तफिक कम होते हैं, पता है ना आपको, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अगर किसी को कब्ज हो जाए ना तो शायद 70 या 72 बीमारियां लग जाती हैं उसको। और जब आदमी को कब्ज होती है ना, पेट के अंदर फुजला जम जाता है, खारिज नहीं होता, उसको आसाब की बीमारी होती है, उसके जहन पर असर होता है उस चीज का। आप ये मत समझें कि खाना खाना ही एक कमाल है, अल्लाह ने यह भी नेमत बनाई है कि खाना जब खारिज होता है तो वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो फरमाया तू समझा ही नहीं, अगर तुझे कब्ज हो जाती, तेरे पेट के अंदर वो चीज जम जाती, तेरे लिए कितनी तकलीफ का बायस थी। उन लोगों से पूछिए जो इसके बीमार हैं, इसके मरीज हैं, वो कितनी तकलीफ में रहते हैं, सर में दर्द होता है, सर चकराते हैं। एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर से लोगों ने पूछा कि मसला क्या है, तो कहने लगा मैं कब्ज का मरीज हूं, तो मैं खाना खा लेता हूं तो मेरे जहन पर वो इस कदर ज्यादा गैस का गलबा होता है कि मैं सख्त तकलीफ में हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया और बताया कि समझ लो यारो, खाना खाने की नेमत तो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, लेकिन खाना खाने के बाद उसका इखराज भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर जब आप घर से निकलेंगे तो भी उसकी दुआ इरशाद फरमाई, बिस्मिल्लाह
तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के नाम से घर से निकलता हूँ और मैंने भरोसा भी अल्लाह के नाम पे किया। जब घर से निकलें तो किसके नाम पे भरोसा करें, बोलिए। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा आप तशरीफ ले गई आज करने, जिस दिन वापस आई अपना ऊंट कह गई जाती दफा, कहने लगी अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ और बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, भरोसा भी तेरी जात पे। जिस दिन वापस आई ना उसी दिन किसी ने बताया कि अम्मा आज ही तेरा ऊंट मर गया है, तो ऊंट के सराहने खड़ी होके कहने लगी मौला मैं तो तेरे नाम पे तेरे पे भरोसा करके गई थी, तेरे हवाले मैं तो तेरे घर गई थी। तो लोग कहते हैं अम्मा के मुंह से लफ्ज निकले तो ऊंट जिंदा होके खड़ा हो गया, खड़ा हो गया ऊंट। तो अम्मा कहने लगी नहीं तुम्हें गलती लगी है, मरा ही नहीं था, पहले से ही मौजूद था, वह अपनी करामत भी नहीं जाहिर होने दी। तो भाई घर से निकले तो किस लफ्ज पर के या अल्लाह मैं तेरे भरोसे पे निकल रहा हूं। मैं इसके दो फायदे होंगे, एक तो आप अल्लाह की अमान में जा रहे हैं, अल्लाह की अमान में आ रहे हैं, और दूसरा जिस घर को आप छोड़ के जा रहे हैं उसे भी अल्लाह की अमान में दे के जाए। तो कितना लज्जत वाली दुआ है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई। अब जरा हदीस सुने खुश होके, देखे हुजूर ने दुआ सिखाई, फरमाया जब देख लो ना किसी को हंसता हुआ क्या करता हुआ, माशाल्लाह आप तो हंसने लगे, जब किसी को हंसता हुआ देखो तो कहा करो अदहक अल्लाहु सिन्नक, ये दुआ ये बुखारी है। फरमाया दुआ मांगा करो जब किसी मोमिन को हंसते हुए देखो तो दुआ मांगो अदहक अल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुझे हंसता ही रखे, अल्लाह तुझे, बोलिए जल ना जाया करो कि मैं परेशान हूं तो ये हंस क्यों रहा है, जला ना करो बल्कि क्या क्या करो, अल्लाह तुझे हंसता रखे, अल्लाह तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिजी में हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हों से हदीस मरवी है, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना जजाक अल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हमद कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया भी अदा कर दिया। क्या कहना है, जजाक अल्लाह, अल्लाह तुझे बेहतरीन जजा अदा करे। इसका तर्जमा क्या है, अल्लाह तुझे बेहतरीन, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करना। तो क्या कहना चाहिए, जजाक अल्लाह खैरा। और अगर अम्मा कहती हो बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है तो क्या कहना है, फिर शुक्रिया अदा करने में क्या कहना है, थैंक्स, थैंक यू। ओ खुदा के इसका सवाब कितना है, बोले अंग्रेजी एक जुबान है उसको जुबान ही रहने देंगे।